कहते हैं कि मास डिस्ट्रक्शन गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, ये किसी और ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2004 के सुनामी के बाद अंडमान में भी जो है ये काफ़ी बड़े मात्रा पे हिट हुआ था। सबसे ज़्यादा क्राइसिस जो हुआ था वो निकोबार एरिया में जो हुआ था, तो उसके बाद जो है पोर्टलैंड में कुछ कुछ जगहों पे हुआ था। तो उसके बाद लोगों ने खुद को संभाला और अपॉर्चुनिटी बिल्ड्स होने लगे, खुद का जो भी है स्टेटस उनका चेंज होने लगा और जो भी है डेवलप होने लगा पोर्टलैंड भी। तो उस दौरान सुनामी से पहले जैसा था और आज का जो कंडीशन है इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। वो कैसे, 2004 के पहले अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन भी नहीं था, और दूसरी चीज़ें ये है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम कभी हुआ नहीं करता था। हमेशा जो है फटाफट हम लोग जो है निकल जाते थे, जस्ट एक दो मिनट का ही वेट करना पड़ता था। पर आज का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ पे भी काफ़ी लंबी चौड़ी ट्रैफिक जाम होती है, तो नहीं नहीं करके उस पे निकलने के लिए हमें आधा घंटा लग जाता है, आधा उससे ज़्यादा भी लग जाता है कभी कभार। तो ये हमें भी समझना होगा कि देखिए अंडमान जो है एक मुट्ठी भर जगह है, तो यहाँ पे जो है रिसोर्सेज वगैरह भी जो है लिमिटेड है, तो हमें उसी हिसाब से खुद को डेवलप करना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब कुछ है तो बस लेते रहो, नहीं ऐसा नहीं। तो इसी चीज़ को सोच के मद्देनज़र रखते हुए मेरी लोगों से ये सिफारिश भी है, गुजारिश भी है, ये मैं किसी तरह का डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ। आपके पास एबिलिटी है, आप केपेबल हो, आप कर सकते हो, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा, या बस यही है कि भाई आप दूसरों के बारे में भी थोड़ा सोच लो कि देखिए अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है हमें ही प्रॉब्लम होगा, रिसोर्सेज लिमिटेड है इसी वजह से। तो इसी चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा।